हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि रैपिडो कैप्टन ऐप कैसे चलाएं और इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। राइड पिक करने से ड्रॉप करने तक का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। और ये वीडियो मैं काफ़ी डिमांड के बाद बना रहा हूँ, बहुत दिन से डिमांड था कि भाई आप इस पर एक वीडियो बनाऊँ कि रैपिडो कैप्टन ऐप कैसे चलाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज आपको बता ही देता हूँ कि रैपिडो कैप्टन ऐप कैसे चलाते हैं। तो अभी मैं लॉगिन नहीं किया हूँ, फ़िलहाल यहाँ पे बाइक खड़ी करके लॉगिन कर लेता हूँ। तो गाइज, मैं रैपिडो कैप्टन ऐप को ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद मैं ऑन ड्यूटी हो जाता हूँ। सबसे ऊपर आप यहाँ पर देख रहे होंगे ऑफ ड्यूटी लिखा हुआ है और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ऑन ड्यूटी में हो जाएगा। तो अभी ग्रीन कलर का आइकन बन गया है और लिखा हुआ है ऑन ड्यूटी, यानी कि मैं ऑन ड्यूटी हूं। और सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा यहां पर हाई डिमांड एरिया लिखा हुआ है। अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूं तो जिस एरिया में ज़्यादा डिमांड होगा तो रैपिडो उस एरिया का एड्रेस आपको यहाँ पर दिखा देगा। यहाँ पर लिखा है नियर चंडीगढ़ RD 31V इंडस्ट्रियल एरिया Phase 2, तो वहाँ का एड्रेस आपको बता दिया। आप चाहो तो उस एड्रेस पर जा भी सकते हो। तो यहाँ पर साइड में राइट साइड में आइकन है, अगर मैं उस पर क्लिक करूँगा तो मैप डायरेक्ट वहाँ का लोकेशन उठा लेगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कर देना है तो आप हाई डिमांड एरिया पर जा सकते हैं, ताकि आपको वहाँ से जल्दी राइड मिल जाएगी। ये हाई डिमांड एरिया बता रहा है, ये ट्रिबिंग चौक का ही बता रहा, लेकिन मैं उसके बगल में ही खड़ा हूँ। यहाँ से 300 मीटर है तो मैं वहाँ पर नहीं जाने वाला हूँ, यहीं से मुझे राइड मिल जाएगी। और आप चाहो तो नहीं भी जा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हाई डिमांड एरिया पर जाना ही है। आप एक जगह कहीं पे भी खड़े रहोगे तो वहाँ से आपको राइड मिल जाएगी, ज़रूरी नहीं है कि हाई डिमांड एरिया पर जाना ही है। तो यहाँ से मैं ऑन ड्यूटी हूँ, अब मुझे राइड का इंतज़ार करना है। जैसे राइड आती है मैं आपको एक्सेप्ट करके बताऊँगा और सारा प्रोसेस बताऊँगा, राइड एक्सेप्ट करने से लेकर राइड कम्प्लीट करने तक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑरेंज कलर का है नेटवर्क का आइकन, इसका मतलब यहाँ पर अभी नेटवर्क कम काम कर रहा है। और कभी कभी ऐसे ही करता है, इसका कोई ज़्यादा मतलब इशू नहीं है। अभी थोड़ी देर में ये ग्रीन हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर नेटवर्क मेरे फ़ोन में अच्छे से काम कर रहा। तो ये ग्रीन ऑरेंज रेड होते रहता, इसके लिए आप टेंशन मत लेना। तो मुझे अब इंतज़ार करना है राइड का, जैसे राइड आता है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे एक्सेप्ट करना है और उसको कैसे ड्रॉप करना है। 5 मिनट्स लेटर। तो गाइज, रैपिडो में राइड आ गई है, यहाँ पर ग्रीन कलर का आइकन बना हुआ, उस पर क्लिक करके एक्सेप्ट राइड लिखा हुआ, तो राइड एक्सेप्ट हो गया है। उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, ये विक्की के नाम से है, नाम यहाँ पर शो करेगा और उसके नीचे आपको उसका एड्रेस शो करेगा, जो भी उसका एड्रेस है। और उसके राइट साइड में आपको मैसेज का आइकन है, तो आप उस मैसेज करके भी बात कर सकते हैं। यहाँ पर कॉल का आइकन है, आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, ये गो टू पिकअप लिखा हुआ है ना, तो उस पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा ना कि मुझे पता चल जाएगा कि कितना किलोमीटर डिस्टेंस है पिकअप का। अगर ज़्यादा किलोमीटर होगा तो फिर कैंसिल करना पड़ेगा ऑर्डर को, कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा किलोमीटर अगर मैं पिक करने के लिए जाऊँ तो, इसलिए मैं देख लेता हूँ। तो गाइस, ज़्यादा दूर नहीं, ये 400 मीटर ही है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आ जाना है, ये मैं मैप को हटा देता हूँ और फिर से मैं रैपिडो कैप्टन ऐप में आ जाता हूँ। मैं रैपिडो कैप्टन ऐप में आ गया हूँ और तो इसका पिकअप लोकेशन ज़्यादा नहीं है, 400 मीटर है, तो आसपास में होगा कहीं। तो मैं क्या करता हूँ ना, कस्टमर को पहले कॉल कर लेता हूँ और आपको भी कॉल कर लेना है कि कस्टमर कहाँ पर जाएगा, तो आपको कंफर्म कर लेना पहले, उसके बाद ही आपको जाना है। तो यहाँ पर राइट साइड में कॉल का आइकन बना हुआ, उस पर क्लिक करना है और उसके बाद कॉल कस्टमर, चैट विद कस्टमर और उसके नीचे कैंसिल माय ऑर्डर। तो आपको कॉल करना है तो आप कॉल पे सिलेक्ट करेंगे और चैट करना है, मैसेज में बात करना तो आप मैसेज पर क्लिक करेंगे। तो मुझे कॉल करना है तो मैं कॉल पर क्लिक कर दिया और उसके बाद आपको दूसरे नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कन्फर्म पिकअप लोकेशन। तो मैं इस पर क्लिक करके और मैं सबमिट कर दूँगा, उसके बाद ऑटोमेटिक कस्टमर को कॉल लग जाएगा। तो मैं बात कर लेता हूँ कस्टमर से। हेलो जी। सर, आपकी राइड आई थी, मैं रैपिडो से बात कर रहा हूँ, कहाँ जाना आपको? तो गाइज, मैंने कस्टमर से बात कर लिया, उसकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा था तो मैंने बता दिया कि मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ आपकी लोकेशन पर। और तो उसके लोकेशन पर पहुँचने के बाद मैं उसको कैसे पिक करता हूँ उसका प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कस्टमर के लोकेशन पर पहुँचने के बाद।
5 minutes later. तो फाइनली गाइज मैं कस्टमर के लोकेशन पर पहुंच गया हूं, और आप जब कस्टमर के लोकेशन पर पहुंच जाएंगे उसका आगे का क्या प्रोसेस है मैं आपको बताता हूं। तो आप डिस्प्ले पर देख रहे होंगे ये ब्लू कलर का अराइव लिखा हुआ है, तो तीर का निशान राइट साइड को दिखा रहा है। तो यहां से हमको ऐसे करके ऐसे प्रेस करना है, अराइव कर देना। अराइव करने से क्या होगा ना कि कंपनी को लगेगा कि हाँ मैं उसके लोकेशन पर पहुँच गया हूँ। अगर अराइव करने के बाद कस्टमर ऑर्डर को कैंसिल भी करता है तो आपको कैंसिल का पैसा मिल जाएगा 12 रुपया। पहले 8 रुपया मिलता था और अब 12 रुपया मिलेगा। उसके बाद अराइव करने के बाद यहाँ पर स्टार्ट राइड करने का ऑप्शन आएगा, तो फिर जैसे उसको प्रेस किए थे ना राइट साइड को, बस इसको भी ऐसे करके ऐसे प्रेस कर देना है राइट साइड को। उसके बाद OTP का ऑप्शन आएगा, तो कस्टमर से आपको OTP ले लेना है, जो भी उसका OTP होगा। मैं यहाँ पर उसका OTP डाल देता हूँ। जैसे आप OTP डालेंगे इस तरह का मतलब इंटरफेस आएगा, तो आपको गो टू मैप लिखा है तो इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद उसका लोकेशन मैप अपने आप उठा लेगा और आपको उसके लोकेशन पर ड्रॉप कर देना है। और आगे का क्या प्रोसेस है फिर मैं आपको बताता हूँ इसको ड्रॉप करने के बाद। तो गाइज फाइनली मैं कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन पर पहुंच गया हूं, और जब आप कस्टमर को ड्रॉप कर देते हैं उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होता है मैं आपको बताता हूं। तो आपको फिर से रैपिडो कैप्टन ऐप को ओपन कर लेना है, और इसी तरह का इंटरफेस दिखेगा आपको। सबसे नीचे आप देख रहे हैं कंप्लीट राइड लिखा हुआ, तो आपको कंप्लीट राइड ऐसे कर देना है। तो उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं दिखाता हूं आपको। जैसे आपने कंप्लीट राइड किया, आप सबसे पहले पेमेंट आ गया 44 रुपये मैं कस्टमर से लूँगा, तो आपको ये कैश पे कलेक्ट करना है, ठीक है। हाँ, उसके बाद ये कस्टमर को रेटिंग देने के लिए बोल रहा है, तो मैं सभी को 5 स्टार ही दे देता हूँ। तो आप लोग भी ज़्यादातर 5 स्टार ही दे दिया करो, तो मैं 5 स्टार रेटिंग देके सबमिट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ रेडी फॉर नेक्स्ट ऑर्डर, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। बस हो गया, आपका राइड कंप्लीट हो गया है। तो गाइज मैंने आपको रैपिडो कैप्टन ऐप चलाना बता दिया, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। बहुत मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दे रखा, मुझे वहाँ पर भी जाके फॉलो करो, वहाँ पर भी मैसेज करो, मैं आपसे वहाँ पर भी बात करूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइज, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलूँगा आपको फिर किसी न्यू फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ख़त्म।